स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा और वर्तमान में अपने परिजनों के साथ उधम सिंह नगर जिले के स्वतंत्रता सेनानी ग्राम जवाहर नगर में रहने वाले जवान भुवन चंद्र भट्ट 3 दिन पूर्व पंजाब के पटियाला में भाखड़ा के इंदिरा नहर में बह गए थे। बुधवार को भुवन की तलाश में जुटे गोताखोरों को उनकी बॉडी नहर से बरामद हुई। बता दें कि बीते रविवार को वह अपने 4 अन्य साथियों के साथ भाखड़ा के इंदिरा नहर में नहाते वक्त पैर फिसलने से बह गए थे, जिसके बाद से लगातार 3 दिन तक पैरामिलिट्री के तैराक कमांडो के सेना के जवानों और एनडीआरएफ के तैराकों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। तीसरे दिन यूनिट से करीब 45 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर के समीप नहर से भुवन का शव देर रात को बरामद किया गया, जिसके बाद गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को जवाहर नगर स्थित निवास पर लाया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पत्नी और मां ताबूत से लिपट कर बिलक पड़े। बताते चलें कि 2 माह बाद भुवन की शादी की पहली सालगिरह थी, जिसके लिए उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि वह छुट्टी लेकर जरूर आएंगे और सालगिरह साथ में मनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि पूजा और भुवन की यह जोड़ी अपनी पहली सालगिरह भी नहीं मना पाए। भुवन चंद्र भट्ट के निधन के बाद पूजा का सारा संसार उजड़ गया। भुवन का विवाह 10 माह पूर्व 29 नवम्बर 2021 में हल्द्वानी झुलवा झाला पूजा से हुआ था। आपको बता दें कि भुवन मूल रूप से चंपावत के देवीधुरा के पाटी तहसील निवासी थे और पंतनगर कैंपस से उनकी शिक्षा हुई थी। भुवन के पिता हरीश दत्त भट्ट भी फौज में थे और उन्होंने परिवार को सन 1984 में उधम सिंह नगर के जवाहर नगर में शिफ्ट कर दिया था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।